तो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम रेस्पबेरी पाई जैसी डिवाइस पर एसडीआर सॉफ्टवेयर्स और हार्डवेयर का यूज़ कैसे कर सकते हैं। सीधे बोलूँ तो रेस्पबेरी पाई का यूज़ हम आरएफ हैकिंग में कैसे ले सकते हैं, जैसे कि एमसी कैचर बनाने के लिए, जीएसएम इन्फॉर्मेशन को कैप्चर करने के लिए, रेडियो सिग्नल्स को ट्रांसमिट और रिसीव करने के लिए। तो आज मैं आपको एक और ऐसे यूएस के बारे में बताऊंगा जिसमें कि आपको जीआर जीएसएम एसडीआर टूल्स, इसके अलावा वाईफाई जीएसएम एफएम टीवी सिग्नल्स के लिए कई स्क्रिप्ट मिल जाती हैं, और ये ओएस आरटीएल एसडीआर हैक आरएफ ब्लेड आरएफ जैसे हार्डवेयर डिवाइस को सपोर्ट भी करता है। और सबसे बढ़िया बात, आप इस ओएस को रास्पबेरी पाई पर भी यूज़ कर सकते हैं। इस ओएस का नाम है ड्रैगन ओएस। वैसे ये कोई अलग से लिनक्स डिस्ट्रो नहीं है, बल्कि यहाँ पर उबंटू ओएस का यूज़ किया गया है, जो कि उबंटू बेस्ड ओएस ही है, जिसमें कि आपको एसडीआर, वाईफाई, जीएसएम, हैम रेडियो, ब्लूटूथ के लिए कई सारे टूल्स और सॉफ्टवेयर प्री इंस्टॉल मिल जाएंगे। ये देखिए, ये इसके सारे टूल्स की लिस्ट है जिसमें काफ़ी सारे महत्वपूर्ण सॉफ्टवेयर दे रखे हैं, जिससे कि आपका काम यहाँ पर काफ़ी आसान हो जाएगा। आपको इन टूल को इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्ट इनका यूज़ कर सकते हैं। इनमें से कई सारे टूल्स ऐसे हैं जिनको इंस्टॉल करने में काफ़ी प्रॉब्लम आती है, तो वो सारे टूल्स आपको यहाँ पर प्री इंस्टॉल मिल जाएंगे। और ये उबंटू बेस्ड ओएस भी है और टाइम टू टाइम अपडेट भी होता रहता है, जिसको आप अपने पीसी पर या रेस्पबेरी पाई जैसी डिवाइस पर यूज़ कर सकते हैं। तो आज मैं आपको इसको रेस्पबेरी पाई पर यूज़ करना बताऊँगा। तो सबसे पहले हम इसके लिए ज़रूरी हार्डवेयर के बारे में जान लेते हैं कि इसके लिए हमें कौन कौन से हार्डवेयर की ज़रूरत पड़ेगी। यदि यहाँ पर मैं रेस्पबेरी पाई बोर्ड की बात करूँ तो आपको यहाँ पर रेस्पबेरी पाई 4 या 400 का यूज़ करना होगा, जिसमें कम से कम 4GB की रैम होनी चाहिए। यदि आप यहाँ पर 1GB या 2GB रैम वाला वेरियंट यूज़ करेंगे तो यहाँ पर सही से परफॉर्म नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसके अंदर कई सारे ऐसे हैवी टूल्स हैं जो कि ज़्यादा मेमोरी का यूज़ करते हैं, तो फिर वो यहाँ पर सही से वर्क नहीं कर पाएंगे। तो आपके पास कम से कम 4GB रैम वाला वेरिएंट होना चाहिए। मैं यहाँ पर रेस्पबेरी पाई 400 का यूज़ करूँगा, जिसमें कि 4GB रैम मिलती है। इसके अलावा इस ओएस के लिए कम से कम 32GB का माइक्रो एसडी कार्ड भी होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर कई सारे सॉफ्टवेयर प्री इंस्टॉल्ड हैं और कई सॉफ्टवेयर यहाँ पर काफ़ी बड़े भी हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा स्पेस का यूज़ करते हैं। तो आप यहाँ पर कम से कम 32GB का कार्ड यूज़ करें, वो भी हाई स्पीड वाला। बाकी आरटीएल एसडीआर डिवाइस की भी यहाँ पर इसके लिए ज़रूरत पड़ेगी, तभी आप एसडीआर सॉफ्टवेयर्स का यूज़ कर पाएंगे, नहीं तो फिर ये कोई काम का नहीं रहेगा। तो इन सभी जरूरी हार्डवेयर की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से इसको चेक कर सकते हैं। अब इसके बाद हम यहाँ पर इस ओएस को रेस्पबेरी पाई पर इंस्टॉल करेंगे, जिसको कि इंस्टॉल करना काफ़ी आसान है। बस आप यहाँ से इस इमेज को डाउनलोड कर लीजिए, ये इमेज करीब 4.9GB की इमेज है। इसके बाद आप यहाँ पर इस इमेज को रेस्पबेरी पाई इमेज टूल की मदद से अपने कार्ड के अंदर फ्लैश कर सकते हैं। सबसे पहले अपने इमेज को सिलेक्ट कीजिए, उसके बाद अपने कार्ड को सिलेक्ट कीजिए और क्लिक कर दीजिए राइट बटन पर। फिर उसके बाद यहाँ पर ओएस आपके एसडी कार्ड के अंदर फ्लैश हो जाएगा, जिसमें कि करीब 5 से 10 मिनट लगेंगी। तो मैंने समय बचाने के लिए इसको पहले से इंस्टॉल कर लिया है, तो अभी यहाँ पर मैं डायरेक्ट ही अपने रेस्पबेरी पाई को बूट करा लेता हूँ। ये देखिए, अभी यहाँ पर मेरा रेस्पबेरी पाई बूट हो रहा है। बूट होने के बाद हम यहाँ पर इसका यूज़ कर पाएंगे, और यहाँ पर लॉगिन स्क्रीन आ चुकी है। तो यहाँ पर इसका जो डिफ़ॉल्ट पासवर्ड है वो है ड्रैगन, यूज़र नेम आप यहाँ पर देख ही रहे हैं, जो कि उबंटू है। तो मैंने यहाँ पर इससे लॉगिन भी कर लिया है। यहाँ पर LXQTDE का यूज़ किया गया है इसको लाइट वेट रखने के लिए, ताकि यहाँ पर ये सही से परफॉर्म कर सके। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं इसको अपने वाईफाई से कनेक्ट कर लेता हूँ, उसके बाद हम यहाँ पर ओएस का रिव्यू करेंगे कि हमें यहाँ पर कौन कौन से टूल्स मिलते हैं और वो कैसे वर्क करेंगे। मैं यहाँ पर इसके डेस्कटॉप वॉलपेपर को चेंज कर देता हूँ, ये मुझे थोड़ा सा सही नहीं लग रहा है, तो मैं इसको चेंज करके वापस लौटता हूँ। अब ठीक है। तो पहले हम यहाँ पर इस ओएस के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि यहाँ पर उबंटू का कौन सा वर्जन यूज़ हो रहा है, कर्नेल का कौन सा वर्जन है, वो सारी डिटेल हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं। तो मैंने टर्मिनल ओपन कर लिया है और यहाँ पर मैंने न्यू फैच को भी इंस्टॉल कर लिया था, और ये देखिए यहाँ पर डिटेल आ चुकी है। आप यहाँ पर ओएस देख सकते हैं, यहाँ पर उबंटू 20.04 का यूज़ हो रहा है। आप यहाँ पर होस्ट की इन्फॉर्मेशन भी देख सकते हैं, यहाँ पर मैं रेस्पबेरी पाई 400 का यूज़ कर रहा हूँ। इसके अलावा आप यहाँ पर कर्नेल का वर्जन भी चेक कर सकते हैं, और ये देखिए यहाँ पर LXQTDE का यूज़ किया जा रहा है, क्योंकि एक लाइट वेट डी है जो कि रेस्पबेरी पाई जैसे आराम डिवाइस पर सही परफॉर्म करेगा। इसके अलावा आपको यहाँ पर CPU और मेमोरी की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि यहाँ पर मेरी कितनी रैम यूज़ हो रही है, और मैंने इससे यहाँ पर अपनी RTL SDR डिवाइस को भी कनेक्ट कर लिया है। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए ये डिवाइस यहाँ पर कनेक्ट है, तो अभी हम यहाँ पर इसका यूज़ कर सकते हैं। तो पहले देख लेते हैं कि हमें यहाँ पर रेस्पबेरी पाई के लिए कौन कौन से सॉफ्टवेयर मिल जाते हैं। ये देखिए, ये इसके बेसिक सॉफ्टवेयर हैं जो कि डेली यूज़ वाले सॉफ्टवेयर हैं। इसकी जो हमारी मेन कैटेगरी है वो है यहाँ पर हैम रेडियो। ये देखिए, ये सारे एसडीआर बेस्ड सॉफ्टवेयर हैं। आपको यहाँ पर कई सारे टूल्स मिल जाएंगे, जैसे कि क्यूबिक एसडीआर, GQRX, SDR++,
GNU/Dedu आदि, तो ये सारे सॉफ्टवेयर यहाँ पर प्री इंस्टॉल दे रखे हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पर इंटरनेट के अंदर Wireshark भी मिल जाएगा, जिसकी मदद से आप यहाँ पर पैकेट्स को कैप्चर कर सकते हैं। इसकी जो अगली मेन कैटेगरी है वो है अदर्स। आपको यहाँ पर RF हैकिंग में यूज़ होने वाली कई सारे टूल्स और स्क्रिप्ट मिल जाएंगी, जैसे कि GQRX, SDR प्ले सपोर्ट के साथ, HackRF, HackTV, MC कैचर, PySDR डॉक्यूमेंट, स्पेयर वाईफाई, रेडियो हैकर जैसे टूल्स यहाँ पर मौजूद हैं। तो इस तरह के यहाँ पर काफ़ी सारे टूल्स दे रखे हैं जिनका आप यहाँ पर डायरेक्ट ही यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पर मैं कुछ डेमो दिखाता हूँ। यहाँ पर मैंने GQRX को स्टार्ट कर लिया है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर अपनी डिवाइस को सेलेक्ट कीजिए, उसके बाद यहाँ पर इसकी कॉन्फ़िगरेशन करके इसको आप स्टार्ट कर दीजिए। तो यहाँ पर GQRX स्टार्ट हो जाएगा। अभी आप इसको अपने हिसाब से रेडियो फ्रिक्वेंसीज को कैप्चर करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पर सिग्नल रिसीव हो रहे हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पर मैं एक और सॉफ्टवेयर बताता हूँ, जो कि है QVIC SDR। इसकी मदद से भी आप रेडियो फ्रिक्वेंसीज को कैप्चर कर सकते हैं। सेम वही प्रोसेस है। सबसे पहले आप यहाँ पर अपनी डिवाइस को सिलेक्ट कीजिए और क्लिक कर दीजिए स्टार्ट बटन पर। फिर आप यहाँ पर अपने हिसाब से रेडियो फ्रिक्वेंसीज को सेट करके उनको कैप्चर कर सकते हैं। यहाँ पर आपको रिकॉर्डिंग का फीचर भी मिल जाएगा। ये देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर सिग्नल रिसीव हो रहे हैं। यहाँ पर एक और ऐसा ही सॉफ्टवेयर है SDR++। ये भी काफ़ी बेहतर सॉफ्टवेयर है। आपको यहाँ पर कई सारे फीचर्स मिल जाएंगे। ये यहाँ पर कई सारे डिवाइस को सपोर्ट भी करता है। आप इसके लिस्ट यहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं RTL SDR डिवाइस का, तो वो यहाँ पर मैंने सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद आप यहाँ पर इसको अपने हिसाब से कॉन्फिगर करके फ्रिक्वेंसीज को कैप्चर कर सकते हैं। सामने छोटे छोटे बच्चे थे उनके लिए। और ये देखिए ये भी यहाँ पर परफेक्टली वर्क कर रहा है। मैं आपको यहाँ पर ऑडियो ज़्यादा नहीं सुना सकता, हो सकता है कि कॉपीराइट आ जाए। तो ऐसे आपको यहाँ पर कई सारे SDR सॉफ्टवेयर मिल जाते हैं। अदर के अंदर आपको और भी कई RF हैकिंग के टूल मिल जाएंगे, जैसे कि HackTV। इसकी मदद से TV सिग्नल्स को हैक किया जा सकता है, पर यहाँ पर इसके लिए HackRF जैसी डिवाइस की जरूरत पड़ेगी। और ध्यान रहे, ऐसा करना पूरी तरह से लीगल भी है। यहाँ पर यूनिवर्सल रेडियो हैकर टूल भी दे रखा है। यहाँ से आप अपनी कोई भी ऑडियो फाइल या उसको रिकॉर्ड करके सिग्नल्स को ट्रांसमिट कर सकते हैं, पर इसके लिए ट्रांसमिट डिवाइस की भी ज़रूरत पड़ेगी। जैसे कि मैंने आपको FM हाईजैकर के बारे में बताया था, तो वैसे ही आप यहाँ से ये काम कर सकते हैं। ये देखिए ये PySDR डॉक्यूमेंटेशन है। आप यहाँ से SDR के बारे में काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं कि ये किस तरह से वर्क करता है। आपको यहाँ से काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा। इसके अलावा आपको यहाँ पर GRGSM भी प्री इंस्टॉल मिल जाता है, जिसको कि आप अपने Raspberry Pi जैसी डिवाइस से ही स्टार्ट कर सकते हैं। मैं आपको डेमो दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पर GRGSM को एक फिक्स GSM फ्रिक्वेंसी पर स्टार्ट कर दिया है। और ये देखिए यहाँ पर टूल स्टार्ट हो चुका है। आप देख सकते हैं यहाँ पर GSM फ्रिक्वेंसीज को कैप्चर कर रहा है। अब इसके बाद आप यहाँ पर MC कैचर का यूज़ करके GSM इन्फॉर्मेशन को कैप्चर कर सकते हैं। यहाँ पर आपको MC कैचर की स्क्रिप्ट भी मिल जाएगी, जिसको आप यहाँ से रन करा सकते हैं और यहाँ से काफ़ी डिटेल में इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं। इसको कैसे यूज़ करते हैं ये सब मैंने पहले बताया हुआ है। मैं आपको यहाँ पर ज़्यादा नहीं बता सकता इसके बारे में। यदि आप इसके बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं तो आप मेरे cybertube.net वेबसाइट के इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। आपको यहाँ से इसके बारे में काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा। तो ऐसे आपको यहाँ पर काफ़ी सारे बेहतरीन टूल मिल जाएंगे। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये है कि यहाँ पर ये Raspberry Pi जैसी पोर्टेबल डिवाइस पर भी वर्क कर रहे हैं। आपको यहाँ पर SDR, FM, GSM के अलावा वाईफाई के कई टूल भी मिल जाएंगे, जैसे कि किस्मेट, स्पेयर वाईफाई। ये देखिए ये स्पेयर वाईफाई टूल है, जो कि पाइथन में बना वाईफाई एनालाइजर टूल है। ये एक GUI टूल है, जिसकी मदद से आप किसी वाईफाई नेटवर्क को एनालिसिस कर सकते हैं। अभी हाल ही में इस टूल को काली की रेपो पर भी ऐड किया गया है। तो ऐसे आपको यहाँ पर कई सारे बेहतरीन टूल मिल जाएंगे, जिनका आप यहाँ पर डायरेक्ट ही यूज़ कर सकते हैं। तो बताइए दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी? यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और यदि आपका एथिकल हैकिंग और साइबर सिक्योरिटी में इंटरेस्ट है, तो आप मेरे cybertube.net और techchip.net वेबसाइट को जरूर विजिट कीजिएगा। आपको वहाँ पर मेरी प्रैक्टिकली काफ़ी सारी वीडियोज़ मिलेंगी, जहाँ से आपको काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इसी तरह की बेहतरीन जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करके जरूर रखिएगा, ताकि यहाँ पर मेरी कोई भी नई वीडियो आए वो मिस ना हो पाए। तो अभी के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, जल्दी ही मुलाकात होगी ऐसी किसी अन्य वीडियो के अंदर। तब तक के लिए नमस्कार।